गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। पे अटेंशन, ध्यान देना। अब फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ही ध्यान दो। हम अभी तक चैप्टर नंबर 1 पे ही हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर जो टैक्स रेट्स किए थे, टैक्स रेट्स के ही अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि असेसी हम तुझे रिबेट देंगे। अब रिबेट का मतलब क्या? डिस्काउंट। हम क्या देंगे? डिस्काउंट देंगे। सो आपका कुछ ना कुछ टैक्स क्या होने वाला है? कम होने वाला है, डिस्काउंट मिलेगा टैक्स में से। लेकिन ये डिस्काउंट तुम्हें तभी मिलता है जब कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई हो। जब कुछ कंडीशंस क्या हो दोस्तों? सेटिस्फाई हो, तब जाके तुम्हें ये डिस्काउंट मिलेगा। क्या क्या कंडीशन है? तो कंडीशन नंबर 1, आप इंडिविजुअल होने चाहिए। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट डेफिनेशन ऑफ पर्सन के अंदर टोटल के नहीं से देर आर 7 कैटेगरीज ऑफ असेसीज। आउट ऑफ 7 कैटेगरीज बेनिफिट ऑफ रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू इंडिविजुअल्स। सो के नहीं से 6 कैटेगरीज आर एक्सक्लूडेड। मतलब 6 कैटेगरीज दैट इज फ्रॉम HUF टू AJP के नहीं से उन सबको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रिबेट का जो बेनिफिट है वो किसको मिलेगा? सिर्फ इंडिविजुअल को। उसके बाद वो इंडिविजुअल भी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। कौन होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। वो इंडिविजुअल भी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब तुम्हें समझ रहा है, नॉन रेसिडेंट्स को रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट में उसकी जो इनकम है, इनकम वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। इनकम जो है वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। अब इनकम होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। कौन सी इनकम? नेट टोटल इनकम, 5 एड्स माइनस डिडक्शन, नेट टोटल इनकम जो आएगी वो होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स? 5 लाख। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप क्या करना? पहले तो बेसिक टैक्स कैलकुलेट करना। क्या करना? बेसिक टैक्स कैलकुलेट करना। और ये जो भी आपने बेसिक टैक्स कैलकुलेट किया है उसमें से आप लेस करना रिबेट। प्लीज नोट फ्रेंड्स, ये जो रिबेट है वो टोटल टैक्स में से माइनस नहीं होता। वो किस में से माइनस होता है? बेसिक टैक्स में से माइनस होता है। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट व्हाट? बेसिक टैक्स। एंड ऑन बेसिक टैक्स कहने से तुम रिबेट का इफेक्ट देना। अब रिबेट जो है, रिबेट मैक्सिमम रिबेट जो हम आपको देंगे वो होगा 12,500। मैक्सिमम रिबेट जो हम तुम्हें देंगे वो कितना होगा? 12,500। सो फर्स्ट यू कैलकुलेट व्हाट? बेसिक टैक्स। उसमें से आप क्या माइनस करना? रिबेट। लेकिन एक चीज और समझो, रिबेट जो है मैक्सिमम इज 12,500, बट इफ अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स इज ओनली 5,000, यू आर लायबल टू पे बेसिक टैक्स ऑफ ओनली 5,000। नाउ कैन आई से इट इज वेरी मच लॉजिकल दैट यू विल गेट रिबेट ओनली अप टू 5,000 rupees। सो आपका रिबेट कितना होगा? तो रिबेट विल बी आइदर अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स और रिबेट सॉरी और मैक्सिमम 12,500। इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? रिबेट। सो अगर आपका बेसिक टैक्स 6,000 आ रहा है तो रिबेट कितना? 6,000। अगर आपका बेसिक टैक्स 7,000 आ रहा है तो रिबेट कितना? 7,000। आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. और उसमें से फिर जो भी अमाउंट, मतलब बेसिक टैक्स अगर आपका 15,000 आ रहा है तो माइनस करना 12,500, जो भी बचेगा उसमें आप ऐड करना
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स। सरचार्ज तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा सरचार्ज? क्योंकि जब तुम्हारी इनकम 5 लाख से कम ज्यादा नहीं कमा रहे तभी तो रिबेट मिलता है, तो सरचार्ज आएगा नहीं, क्योंकि सरचार्ज तभी लगेगा जब 5 लाख के 50 लाख के ऊपर इनकम जाएगी। के ऊपर क्लियर है फ्रेंड्स? यस सर। ओके, सो ये था यू कैन से कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट। याद रखो रिबेट मिलता किसको है? इंडिविजुअल को, वो भी कब? जब वो रेसिडेंट होगा तब, एंड जब उसकी इनकम होगी लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। कंडीशंस देखो, ये जो बेनिफिट है वो बेनिफिट रेस्ट्रिक्ट किया गया है, कम लोगों को ये बेनिफिट दिया गया है फ्रेंड्स। सो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट होता है रिबेट का। अब आपके मॉड्यूल में पेज 1.6 पे अगर आप देखोगे, 1.6 पे इधर कंडीशंस लिखी है, इधर अमाउंट ऑफ रिबेट लिखा है, अमाउंट ऑफ रिबेट के बाद और एक नोट आ रहा है, नो रिबेट अगेंस्ट टैक्स पेबल अंडर 112A, ये हम बाद में करेंगे, अभी नहीं, इसको हम कैपिटल गेन्स चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्कस किया है फ्रेंड्स। सो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिबेट। आया समझ में? आया रिबेट का कॉन्सेप्ट? यस सर। ओके, अब तुम्हें लिखना हो तो तुम लिख सकते हो, वैसे भी सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, सो वो भी यू कैन से लिखने की जरूरत तो नहीं है, पर तुम्हें कुछ नोट करना हो तो कर सकते हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक लास्ट कॉन्सेप्ट मुझे एक्सप्लेन करना है, और वो जो कॉन्सेप्ट है वो है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ, ये कॉन्सेप्ट मुझे आप लोगों को अभी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में MCQ आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है फ्रेंड्स। इस पे MCQ आ सकता है आप लोगों को एग्जाम में, सो जितना हो सके आप लोग ध्यान देना, क्योंकि इस पे MCQ आने के चांसेस बहुत ज्यादा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। पे अटेंशन, क्या है ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का, समझो। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब आप लोगों को सरचार्ज लगेगा। क्या लगेगा दोस्तों? सरचार्ज। अगर आप लोगों को सरचार्ज लगने वाला है ना, तो ही मार्जिनल रिलीफ जो है उसका कॉन्सेप्ट आएगा। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करता हूं। असेसी जो है वो इंडियन कंपनी है जिसका टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 इज 500 CR। अच्छा, ये डिटेल मैंने दी, टर्नओवर इज 500 CR, इससे आपको क्या पता चलता है दोस्तों, बताओ जरा। परफेक्ट। अब ये इंडियन कंपनी की जो इनकम है, इनकम वो है 1 करोड़ 1 लाख। अब 1 करोड़ 1 लाख जब इनकम है, तो मुझे बताओ क्या ये कंपनी को पहले तो बेसिक टैक्स लगेगा? बेसिक टैक्स कितना परसेंट होगा? परसेंटेज 30 लाख के नहीं से 30,000 आएगा। ओके, अब मुझे बताओ क्या सरचार्ज लगेगा? सरचार्ज 7%। यस, तो मैं ऐड कर रहा हूँ सरचार्ज 7%। परफेक्ट, 7% सरचार्ज आप ऐड करो, कितना आ रहा है 7%? कोई कैलकुलेट करके। 2,12,100। किसका 7% आएगा मुझे बताओ जरा? 30 लाख इनकम का कितना आ रहा है? 2,12,100। एक जन आंसर दो यार, एक जन 2,12,100 रुपया।
2,12,100 रुपया। ओके, अब पार्थ आप ही आंसर देना, टोटल करो कितना आ रहा है। टोटल 32, 42, 100 आ रहा है, बराबर 32, 42, 100। हाँ, अभी सुनो सुनो, हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड मत करना, रुको रुको जरा रुको। अब अपने इनकम कैलकुलेट की, बेसिक टैक्स उस पर कंप्यूट किया, सरचार्ज आ गया, टोटल आ गया। अब देखो, अब रुक जाओ, अब है ना, हम यहां से लेस करेंगे मार्जिनल रिलीफ, और मार्जिनल रिलीफ के लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। सो मार्जिनल रिलीफ हम लेस करेंगे और उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट। पहले तो मार्जिनल रिलीफ लिखा कहां है वो आप लोग चेक करो। फर्स्ट मैंने बेसिक टैक्स कंप्यूट किया है, सरचार्ज ऐड करके फिर मैंने मार्जिनल रिलीफ लिखा है। अब ध्यान से समझना, वर्किंग नोट जो है, वर्किंग नोट उसमें मैं एक जगह पे लिख रहा हूं इनकम और एक जगह पे लिख रहा हूं बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। मुझे बताओ, एक इंडियन कंपनी को कब तक सरचार्ज नहीं लगता, कब तक सरचार्ज नहीं लगता? देखो, 1 करोड़ अगर इनकम होती, 1 करोड़ अगर एक इंडियन कंपनी की इनकम 1 करोड़ होती, एग्जैक्ट इक्वल टू 1 करोड़, कहने से सरचार्ज नहीं लगता। अगर सरचार्ज नहीं लगता तो मेरा बेसिक टैक्स और सरचार्ज मिला के कहने से सिर्फ 30 लाख आता। कितना आता? सिर्फ 30 लाख। लेकिन हुआ क्या, अब इनकम जो है वो 1 करोड़ 1 लाख हो गई, तो 1 करोड़ 1 लाख हो गई, तो एक्सीडिंग 1 करोड़ हो गई, सरचार्ज लगना स्टार्ट हो गया। अब सुनो सुनो सुनो, एग्जैक्ट इक्वल टू 1 करोड़ इनकम होती तो मेरा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज 30 लाख आता। अब मेरी इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, जिसके वजह से मेरा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज कितना हो चुका, 32,42,100। अब सुनो, अब यहां पे इंडियन कंपनी जो है वो क्या बोल रही है समझना, या असेसी जो है वो क्या बोल रहा है कि अगर मैं 1 करोड़ कमाऊं, सिर्फ 1 करोड़ कमाऊं, तो आप मुझसे टैक्स कितना ले रहे हो, 30 लाख का। लेकिन अगर मैं 1 करोड़ 1 लाख कमा रहा हूं, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, तो आप मुझसे टैक्स ले रहे हो 32,42,100 का। मतलब मैंने एक्स्ट्रा कमाया 1 लाख, जिसके वजह से मेरा सामने टैक्स देखो 2,42,100 से बढ़ गया। भेजे मैं जा रहा है फ्रेंड्स आप लोगों के? यस सर। तो असेसी क्या बोल रहा है कि मैं एक्स्ट्रा, मतलब मैं अगर 1 लाख कम कमाऊं, मेरी इनकम एग्जैक्ट इक्वल टू 1 करोड़ हो, तो आप मेरे से 30 लाख लोगे, 1 लाख में यहां पे ज्यादा कमा रहा हूं, तो आप टैक्स सामने 2,42,100 से बना रहे। मतलब मैंने जो एक्स्ट्रा इनकम अर्न की है दैट इज ओनली 1 लाख, लेकिन आप उसके सामने जो टैक्स बढ़ा रहे हो दैट इज 2,42,100। असेसी बोल रहा है कि आपको चाहिए तो पूरा 1 लाख ले लो, पूरा का पूरा 1 लाख मेरे से ले लो। तुम तो 1 लाख से भी ज्यादा ले रहे हो, मतलब जितना मैंने कमाया नहीं उससे ज्यादा मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 7% एंटायर अमाउंट ऑफ बेसिक टैक्स पे लग चुका है। एंटायर अमाउंट, पूरा पूरा पूरा। आज मेरा 1 करोड़ के ऊपर टैक्स कितना था, 30 लाख, और 1 लाख के ऊपर टैक्स कितना आया, 30,000। 30,000 पे सरचार्ज नहीं लगा है, सरचार्ज 30,30,000 पे लगा है, जिसके वजह से कहने से ये प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं कमा रहा हूं एक्स्ट्रा 1 लाख, जिसके वजह से मेरा टैक्स का आउटफ्लो 1 लाख से भी ज्यादा हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा कमाया नहीं उससे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। सो असेसी गया गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को बोला, देखो गवर्नमेंट, अगर मैं 1 करोड़ कमाता तो सामने सिर्फ 30 लाख का टैक्स आता, बस ये 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा लिया,
सामने अटैक्स आ रहे हैं 32, 42, 100। ये केस में आप मुझे कुछ मदद करो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, चल एक काम कर, यहां पे 1 करोड़ तेरा टैक्स आ रहा है, ये कौन है, ये रिया परमार, तेरे को समझता नहीं है क्या, म्यूट पे रखने गए। 1 करोड़ तेरी इनकम होती तो 30 लाख टैक्स आता, 1 करोड़ 1 लाख है तो 32 लाख 42 100 आ रहा है। अब एक काम कर असेसी, जो तूने एक्स्ट्रा कमाया है, एक्स्ट्रा इनकम जो है, जब भी तेरी एक्स्ट्रा इनकम तेरे एक्स्ट्रा टैक्स से कम होगी, इसका मतलब तूने जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा तेरे को टैक्स देना पड़ रहा है, तो जो डिफरेंस होगा ना बिटवीन एक्स्ट्रा टैक्स एंड एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा टैक्स एंड एक्स्ट्रा इनकम का डिफरेंस, दैट इज 242 100 माइनस 1 लाख, विच इज 142,100, ये आपका हम क्या दे देंगे, रिलीफ दे देंगे। इतना चाह असेसी अभी टैक्स पे मत कर, इतना टैक्स पे मत कर, इसका मतलब कहने से 142,100 में यहां से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा जो अमाउंट बचेगा वो होगा 31 लाख रुपीस, और 31 लाख पे मैं ऐड करूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, ये किस पे आएगा, 31 लाख के ऊपर आएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल टैक्स। आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों? यस सर। ओके रुको, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है मैंने, मैं ना सेकंड केस ले रहा हूं, अभी ये केस वन था, अभी केस टू ले रहे हैं। वापस से असेसी सेम इंडियन कंपनी, एंड इनका जो टर्नओवर है ऑफ प्रीवियस ईयर 19-20 इज 500 CR। अब इनकम जो है, इनकम वो है 1 करोड़ 2 लाख। अब इस पे अगर मैं बेसिक टैक्स कैलकुलेट करूं 30,60,000 आएगा, और पर प्लस मैं क्या करूं, सरचार्ज कितना परसेंट, 7%, तो मुझे जरा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज निकाल के दो कितना आ रहा है, 32,74,200 बराबर है। ओके, अब वापस से मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, किसके लिए, मार्जिनल रिलीफ के लिए, मार्जिनल रिलीफ के लिए वर्किंग नोट। तो अब मैं जा रहा हूँ वर्किंग नोट पे, एक जगह पे मैं लिखूंगा इनकम, एक जगह पे मैं लिखूंगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम अगर मेरी 1 करोड़ होती तो कितना आता, 30 लाख, 1 करोड़ 2 लाख है, कितना आ रहा है, 32,74,200, ये बराबर दोस्तों? यस सर। एक्स्ट्रा कितना कमाया, 2 लाख कमाया एक्स्ट्रा, टैक्स कितना जा रहा है, 274,200 का, अगेन एक्स्ट्रा इनकम इज लेस देन एक्स्ट्रा टैक्स, कितना मार्जिनल रिलीफ होगा मेरा, 74,200। सो माइनस करो 74,200, जो भी बचा दैट इज 32 लाख, ये आपका फाइनल टैक्स आ गया, दैट इज बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, एंड इस पे बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज जो आफ्टर एंड माइनस मार्जिनल रिलीफ करके, एंड प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसका 4% आपको मिल जाएगा टोटल टैक्स। कॉन्सेप्ट जा रहा है भेजे में फ्रेंड्स? यस सर। नोट करो, अभी मैंने इधर लिया इनकम 1 करोड़ 1 लाख, तो मेरा मार्जिनल रिलीफ था 142,100। जैसे ही मैंने 1 करोड़ 2 लाख कर दिया, मार्जिनल रिलीफ देखो कितना कम हो गया, 74,200। और मैं आपको बोलूं ना, 1 करोड़ 4 या 5 लाख पे ना क्या हो जाएगा पता है, योर एक्स्ट्रा इनकम विल बी मोर देन एक्स्ट्रा टैक्स, इसका मतलब मार्जिनल रिलीफ बंद हो जाएगा। तो ये कब आएगा पता है मार्जिनल रिलीफ, जब तुम्हारी इनकम जो है वो जो स्पेसिफाइड लिमिट्स है ना सरचार्ज की, उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, तो ही मार्जिनल रिलीफ आता है, नहीं तो मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। 1 करोड़ 5 लाख पे करोगे तो तुम्हारा जो एक्स्ट्रा टैक्स होगा, सॉरी एक्स्ट्रा इनकम होगी, वो हो जाएगी मोर देन एक्स्ट्रा टैक्स, फिर मार्जिनल रिलीफ बंद। आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों?
यस सर। अब ये दो केसेस मैंने सॉल्व किए हैं, थर्ड केस मैं यहां पे लिख रहा हूं जो आप मुझे हेल्प करोगे, लेकिन मैंने पहली चीज असेसी को ही चेंज कर दिया है। असेसी कौन है? इंडिविजुअल। अरे इनकम क्या, इनकम इंडिविजुअल है। असेसी कौन है? इंडिविजुअल। रेसिडेंट ले लो, 55 इयर्स एज ले लो उसकी। कौन सा स्लैब रेट अप्लाई होगा, फर्स्ट सेकंड के थर्ड? अब इसका इनकम जो है, इनकम वो हम लेते हैं 51 लाख। कितना इनकम है? 51 लाख। चलो दो मिनट इधर ध्यान दो, बेस क्या लोगे इसका मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए? 50 लाख। पहले क्या कंप्यूट करोगे? बेसिक टैक्स। फिर क्या ऐड करोगे? कितना परसेंट, परसेंटेज? 10%। ओके, बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज मिल जाएगा। फिर क्या करोगे? लेस एचईसी, मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करोगे, फिर बैलेंस मिलेगा, एंड फिर ऐड करना हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन जब तुम मार्जिनल रिलीफ के लिए वर्किंग नोट बनाओगे तो उसमें एक जगह पे लिखोगे इनकम और दूसरी जगह पे लिखोगे बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। बेस बोलो, बेस मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए। और फिर 51 लाख के ऊपर आ रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों? यस सर। ओके, अब बोलो ध्रुवा। सर जैसे जो भी मार्जिनल रिलीफ का केस है उसमें जो थोड़ी सी इनकम मतलब अर्न एक्स्ट्रा हुई है, एक तरीके से तो वो पूरी ही चली जा रही है ना, तो इसका ज्यादा तो नहीं जा रहा है ना टैक्स? हाँ, तो वो तो फायदा ही तो है। ओके सर। ऋषिकेश सर, सेम ही डाउट था मेरा, मतलब अगर 10 लाख मतलब 1 करोड़ 1 लाख कमा रहे तो ऊपर का 1 लाख पूरा टैक्स में जा रहा है, फिर 2 लाख कमा रहे पूरा टैक्स में जा रहा है। अच्छा, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा। क्यों सेंस नहीं बन रहा? तो मतलब ज्यादा कोई 1 करोड़ के ऊपर कमाएगा क्योंकि? अच्छा, 1 करोड़ के ऊपर क्या कमाएगा? गुड। कभी बिजनेस मत करना तू, कभी भी बिजनेस कभी मत करना। मतलब तेरा तेरी इनकम 1 करोड़ हो गई, कोई कस्टमर आ रहा है तो उसको बोलेगा ए मैं तेरे को अभी गुड्स नहीं बेचेगा रे, क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ हो चुकी है। वो नहीं सर, मैं गुड्स नहीं बेचेगा, तू घर जा इधर से, है ना? मैं 1 करोड़ के ऊपर कमाएगा नहीं सर, बट पूरा सभी पूरा टैक्स नहीं जा रहा है। अरे तो मार्जिनल रिलीफ कब तक आने वाला है? 3-4 लाख तक आने वाला है, उसके बाद? उसके बाद तो तेरा एक्स्ट्रा इनकम विल बी मोर देन एक्स्ट्रा टैक्स। फर्स्ट 3-4 लाख तक सेव रहेगा तो ओके ओके समझ। मार्जिनल रिलीफ तो तेरा कम ही होता जा रहा है ना सर। एग्जांपल्स दिखा दो ना एक बार ऊपर वाला। ए रुकना शाणे, पहले इसका डाउट तो सुन ले। हां सर समझा, मतलब फर्स्ट 2-3 लाख कमाएंगे तब पूरा टैक्स में चला जाएगा। हाँ, बट उसके बाद इनकम बढ़ेगा। उसके बाद तो इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ते जाएगा, मतलब फिर वो इनकम टैक्स को एक्सीड कर देगा। परफेक्ट। हाँ सर समझा, वही डाउट था कि सेंस नहीं बनता ना, पूरा ही टैक्स में जा रहा है तो बिजनेस मोटिवेटेड फील क्यों करेंगे 1 करोड़ से कमाने के लिए ज्यादा। अनिल मेरी आ रही है आप लोगों को? नहीं सर। सर एक डाउट है, कुछ मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आपकी आवाज सर अभी आई है सर, नहीं आई वापस सर, नहीं आ रही अब। अभी हाँ सर आई। यस सर। बोल बोल जैनल।
सर भड़कता नहीं सर, एक ऐसे डाउट है सर। मैं भड़कता नहीं हूँ यार, भड़कता कि मैं किधर भड़क रहा हूँ यार, हाँ इतना सर प्यार मतलब से मेरे बात कर रहा हूँ मैं, किधर हाँ सर बहुत ज्यादा उसलिए। हाँ बोल हाँ सर, अगर सर 2.5 लाख तक वो ऐसा फ्री है ना, मतलब अगर मैं 2.5 लाख मेरा अगर टर्नओवर है तो मतलब मेरे को फ्री है, मेरे को कोई टैक्स नहीं भरवाना। 2.5 लाख तो सर टर्नओवर सर, नहीं बेटा, 2.5 लाख इनकम होता है, इनकम। हाँ मतलब 1 लाख 2.5 लाख इनकम रहेगा बराबर ना। परफेक्ट। हाँ तो सर अगर मैं मेरा बहुत सारे सब्सिडीज बना लूँ, मतलब मैं एक कंपनी नहीं बनाऊँ, मतलब 2.5 लाख के नीचे वाले ज्यादा कंपनी बनाओ तो कैसे बनाएगा? कंपनी को तो 30% टैक्स रेट है। नहीं कंपनी मतलब खुद का अगर इंडिविजुअल है, मतलब फर्म है तो कैसे? एक इंडिविजुअल का क्या करेगा तू? तू एक like सर, अगर मेरा लाइक मेरा अगर इनकम है 5 लाख है तो मैं मेरा मेरे नाम पे ऐसा 2 या 3 फर्म बना दूं। हाँ। तो मेरे को 2.5 लाख से कम तो का इनकम रहेगा एक फर्म में, तो मेरे को एक मिनट, तू 3-5-4 पैन कार्ड बनाएगा अपना, ऐसा बोल रहे तू? एक ही समझ गया। हाँ, समझ, मतलब 1% एक ही फर्म बना सकते हैं सर। सोल प्रोप्राइटरशिप तो एक ही हो सकती है ना, और 3-4 बिजनेस है तो भी इनकम तो तेरी हुई ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप से। सर पर अलग अलग फर्म के नाम पे रहेगा ना, मतलब अलग अलग फर्म अलग अलग, तो एक मिनट, फर्म का टैक्स रेट 30% है तो 2 अलग पर्सन हो गए। ओके सर, मैं फर्म और उसमें कंफ्यूज हो गया, समझे। ठीक है, थैंक यू सर। ओके चलो अंजलि, बेसिक टैक्स कितना आया? बेसिक टैक्स 51 लाख पे 15,30,000, सरचार्ज 1,53,000 बराबर। यस सर, टोटल इज 16,83,000। ओके डन, ठीक है। अच्छा अब 50 लाख के ऊपर आपका बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज कितना? सरचार्ज तो आएगा नहीं, बेसिक टैक्स कितना आ रहा है? 15 लाख। कैसे 15? 50 लाख इनटू 30%। अच्छा गलत है सर, स्लैब रेट के इससे आएगा ना? गलत है सर, स्लैब रेट ही सर। हाँ सर, स्लैब रेट। हाँ स्लैब रेट नहीं आएगा यहाँ पे, 30% डायरेक्टली आएगा ना सर, स्लैब रेट। स्लैब रेट आएगा सर, सबसे आएगा। ओके शुभम बताओ बेसिक टैक्स कितना आ रहा है? 13,42,500। ये आ गया 134,250। ठीक है टोटल बताओ 14,76,750। ठीक है गुड, 50 लाख के ऊपर बेसिक टैक्स कितना आएगा? 14,43,750। बराबर शुभम, एक सेकंड ये सर, ये गलत है तो कुछ मानो बता, अभी एक्स्ट्रा इनकम कितना आ रहा है? 1 लाख। 1 लाख एंड इट इज लेस देन 164,250, 1,64,250, सो मार्जिनल रिलीफ विल बी 64,250, फिर एचसीसी होगा 56,500 और मार्जिनल रिलीफ ऑफ ईटी प्लस सरचार्ज का टोटल होगा 14,12,500 सर। ऊपर ऊपर वाला, ऊपर का टोटल, लास्ट का तो 1469 है, 14,69,000। ओके ये फाइनल आंसर आना चाहिए सबका।
ओके, अब एक दो चीजें आपको और समझने जैसी हैं यहां पे। चलो पहले तो मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको, और एक केस देता हूं, आप मुझे कैलकुलेट करके दो। चलो करो इनकम 52 लाख पे कैलकुलेट। ₹52 लाख इनकम है, कैलकुलेट करके दो, बेसिक टैक्स सरचार्ज सब मार्जिनल रिलीफ कितना आ रहा है। सर एक डाउट पूछो। बोलो। हाँ सर, वो जो प्रीवियस आपने एग्जांपल बताया उस पर बेसिक टैक्स का रेट कितना लगा था? जो इंडिविजुअल को लगता है वो रेट लगा था, मतलब मैंने लिखा 50 था, 10 लाख से ऊपर हो तो वही है ना? क्या 10 लाख से इनकम ऊपर हो तो 50 तक लगता है, ऐसा मैंने लिखा है। मतलब 10 लाख के ऊपर हो तो 50% लगता है, मैंने कब लिखा है? तो मैंने शायद गलत लिखा होता ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ना आपको। मतलब तो मैं क्या करूँ उसमें? एक बार टेबल दिखा था ना, एक बार कौन सा टेबल? वो रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल था। वो मेरे पास अभी नहीं है, वो फाइल मैंने भिजवा दी है आप लोगों को। हाँ देता मैंने, वो तो भिजवा दी, तो उसमें देखो आप। हाँ देते हैं। हाँ, वो सर आप इतना तो बता दो ना अभी। क्या बता? रेसिडेंट प्लस इंडिविजुअल में इनकम 10 लाख के ऊपर हो तो कितना लगता है? कितना लगता है आप बताओ। मैंने 50 तक लिखा है, इसलिए मैं तो पूछ रहा ना। तुम अब मैंने कितना लिखा है था आपको याद नहीं है? वो मुझे देखना पड़ेगा ना। मैंने नहीं, तो आपको याद नहीं है? नहीं याद नहीं। तो मैं क्या करूं बताओ, रिवाइज आप क्यों करके नहीं आए फिर? क्यों रिवाइज नहीं करके आए बताओ? अरे सर। अच्छा 30% लगता है 10 लाख के ऊपर। थैंक यू सर। बोलो उज्जवल सर। ऊपर वाला एग्जांपल समझा नहीं सर, वापस एक बार समझा दो ना। क्या नहीं समझा आप बताओ ना मेरे को। सर ये बेसिक टैक्स का 13,42,500 कैसे आया? मतलब अच्छा एक इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स बता मुझे, इंडिविजुअल के स्लैब रेट्स। सर 0 to 2 lakh 50 का होता है नील, और 2 lakh 50 से 5 lakh का होता है 5%, 5 lakh और 10 के बीच में होता है 20%, और 10 lakh के ऊपर होता है 30%। इधर कितनी इनकम आएगी ये स्लैब में? 2.5 लाख की इनकम आएगी? नो सर, इसमें नील आएगा। हाँ पर इनकम मैं पूछ रहा हूँ, टैक्स नहीं। इनकम तो 2.5 उधर चली गई। ओके ओके सर, समझा समझा। इधर 2.5 चली गई, इधर 5 चली गई, तेरी टोटल इनकम कितनी है? हाँ सर समझ गया। क्या समझा सर? हाँ टोटल इनकम 51 है, तो इधर 41 चला गया। हाँ नील 5%, 20%, 30% करो अब कैलकुलेट। शुभम हो गया सॉल्व करके बेटा? यस सर। चलो बता बेसिक टैक्स। 13,72,500 प्लस सरचार्ज 10% 137,250 आपको मिलेगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इनकम, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। इनकम अगर मेरी होगी 50 लाख, एग्जैक्ट इक्वल टू 50 लाख, ठीक है, तो मेरा बेसिक टैक्स कितना आएगा? 13 लाख 12,500। एंड अगर 52 लाख है तो ये टोटल करो दोनों का 14, क्या आ रहा है?
15 लाख 9000। अरे मैंने सबको नहीं पूछा है, मैंने शुभम को ही पूछा है। शुभम बता। 15 लाख 9750। बराबर। यस। ओके, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 2 लाख इनकम। टैक्स कितना आ रहा है एक्स्ट्रा? 1,97,250। सो योर एक्स्ट्रा इनकम इज मोर देन एक्स्ट्रा टैक्स। तो अब यहाँ पे अब मार्जिनल रिलीफ भी लिखने जाओगे तो वो जाएगा निल, कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा। बराबर है? कैलकुलेशन बराबर किया है क्या तुमने? यस सर। यस सर। क्या रहा है? ओके, डायरेक्टली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। अच्छा, अब और एक चीज समझो। अभी देर इज नो मार्जिनल रिलीफ, ठीक है? ये वाले केस में देर इज नो मार्जिनल रिलीफ, यहां पे कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं है। लेकिन दोस्तों एक चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं बोलूं कि एक इंडिविजुअल है जो रेसिडेंट है प्लस 55 इयर्स एज है, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ 1 लाख हो जाएगी, कहने से सरचार्ज का जो रेट है वो कितना हो जाएगा? अभी 10 से 15% हो जाएगा। तो अब तुम्हें वापस से चेक करना पड़ेगा कि क्या मार्जिनल रिलीफ आएगा कि नहीं, क्योंकि सरचार्ज का रेट चेंज हो रहा है। तो अब तुम लोग बेस क्या लोगे? बेस तो अब तुम्हारा बेस क्या हो जाएगा? 1 करोड़। तो पहले तो सुनो, इधर तुम बेसिक टैक्स कंप्यूट करोगे, ऐड क्या कर दोगे? सरचार्ज। कितना परसेंट सरचार्ज ऐड करोगे तुम लोग? 15% ऐड करोगे, यू विल गेट बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। और उसके बाद तुम लेस करोगे मार्जिनल रिलीफ, जिसके लिए तुम बनाओगे वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट जो है उसमें तुम एक जगह पे लिखोगे इनकम, दूसरी जगह पे लिखोगे बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज। बताओ बेस क्या लोगे तुम लोग? अभी 1 करोड़ तुम लोग बेस लोगे, उस पे क्या तुम बेसिक टैक्स कैलकुलेट करोगे? आंसर इज यस। क्या तुम सरचार्ज भी कैलकुलेट करोगे? आंसर इज अगेन यस, लेकिन 7% के हिसाब से, सॉरी 10% के हिसाब से। 10%। ये समझ रहा है तुम लोगों को? यस। और फिर तुम 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट करके रख चुके रहोगे, यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे आएगा। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है और मुझे बताओ कितना मार्जिनल रिलीफ होगा। स्टार्ट। यस करण, बेसिक टैक्स बताओ कितना आ रहा है? 28,42,500। वापस से? 28,42,500। सरचार्ज? 4,26,375। बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज? 32,68,875। 1 करोड़ के ऊपर बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज? 30,93,750। कितना कितना? 30,93,750। बराबर। ओके, एंड यहाँ पे अपना आ रहा है 32,68,875। एक्स्ट्रा आ रहा है 1 लाख। एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा है? 175,125। करण बराबर है? यस यस सर। ओके, सो 75,125 इज मार्जिनल रिलीफ, इतना लेस हो जाएगा प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन। ये बोलो समझा आप लोगों को? यस सर। यस सर। शुभ समझ में आया क्या? यस सर। और एक शुभ भी है, मेरा रॉन्ग गया। देखो कहां गलती हुई है। हां सर, वो भी चेक कर रहा हूं। सर
सर मुझे डाउट है कि 30,93,750 जो आया है उसमें वो स्लैब के हिसाब से वापस हमको कैलकुलेट करना है और फिर उसके अंदर ऐड करना है, राइट? क्योंकि वो मुझे नहीं समझ रहा कैलकुलेट करना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, कंफर्म करो। करो, बनाओ आप स्लैब, बनाओ तो जरा 1 करोड़ के स्लैब्स बनाओ आप। हाँ, उसमें से लेस 2,50,000 करेंगे तो उतने लाएगा उधर पर, मतलब उसका परसेंटेज स्लैब बताओ ना पहले, स्लैब से बताओ। ओके फाइन, सॉरी, 2.5 से 5 लाख, देन 5 to 10 और 10 to 1 करोड़। बराबर। इधर इनकम कितनी चली गई? 2.5 चली गई। यस सर। इधर? इधर 2.5 ओके। इधर 5 और इधर? इधर 90 लाख और इन पे परसेंटेज। ओके सर, थैंक यू। ओके, चलो पे अटेंशन। अब आपका मॉड्यूल जो है उसमें, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि पहले मैंने थियोरी दिया है, उसके बाद Q&A दिया हुआ है, और पीछे कुछ 9 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स आप लोगों को। ये सारे 9 क्वेश्चंस होमवर्क में रहेंगे आज के दिन, ठीक है? तो ये 9 क्वेश्चंस है, सारे के सारे क्वेश्चंस होमवर्क में हैं।